आपसे हमेशा एक बात करता हूं, आप एक डॉक्टर से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो भी 12th के लेवल, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए चीज के, मतलब जो चीजें हम लोग देखते हैं रोज में हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा, वही आपको बता रहे हैं उनके। तो जो आपको बता रहा हूं मैं, मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा होने पर आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आना चाहिए कि यस बॉस डॉक्टर बनना है, हमें इतना कुछ मालूम चला है, अब इसको आगे और जानना है। क्यूरियोसिटी इज द की फॉर बिग सक्सेस। जब तुम्हारे अंदर जो है वो जानने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो तुम आगे बढ़ोगे। और मेरा एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में मेरा कर्तव्य ये है कि तुम्हारे हृदय के अंदर में वो तार हिला दूं कि और जानने की कोशिश करो। तुम वही सच्चा शिक्षक है जो अपने विद्यार्थी को और विद्या पाने के लिए जो है वो प्रेरित कर दे, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट। मेरा बच्चा कहां पहुंचेगा, कितना बड़ा डॉक्टर बनेगा, मालूम चलेगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप निकलने के बाद किसका नाम लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं नहीं लेते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने आगे जीवन में क्या अचीव किया। अब मैं वो जो चूहा दौड़े उससे मैं बाहर निकल चुका हूं। मैं इस समय, मेरा विजन यह है कि मैं देश को सबसे अच्छे डॉक्टर्स दूं। मेरा विजन यह है कि मैं देश को सबसे अच्छे डॉक्टर्स दूं। मैं ऐसे बच्चों के अंदर मैं उन कल्चर को, उन भावनाओं को, उस तरह के मैं कैरेक्टर को इंड्यूस करूं जो देश के तरक्की में रोल प्ले करे। मैं चाहता हूं कि मेरे जो मेरा जो यूथ है, जो मुझसे कनेक्टेड है, वो देश का सबसे रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, कुछ परिवर्तन लेकर आए, कुछ अच्छा करे। हो मुझे अपने करियर से कई गुना अधिक चिंता तुम्हारे करियर की है, क्योंकि जो मैंने करना था मैंने कर लिया है। मुझे अब भविष्य देखना है अपने बच्चों का, तुम्हारा, अपना बच्चा मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी संभावनाएं सीमित हैं इस समय, तुम्हारी संभावनाएं असीमित हैं। तुम्हारे पास बहुत सारी उम्र है, बहुत सारा तुमको सीखने का है, बहुत सारा परिवर्तन करने का है। तो बेटा कभी कमजोर मत समझना अपने आप को, तुम ही नींव हो इस देश की और तुम ही जो है वो तरक्की की सीढ़ी हो इस देश के लिए। हम तो वो ईंटें जो लग चुकी हैं ऑलरेडी, तुम वो ईंटें हो जिसको लगाकर ये तय करना है कि बनने क्या वाला है, होने क्या वाला है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं एक मिस्त्री के समान तुमसे जुड़ा हुआ हूं कि इन ईंटों को लगाने में कुछ लोगों को, कि जीवन को छूने का मुझे अवसर मिला। मैं ईश्वर को धन्यवाद कहता हूं, अल्लाह को, गॉड को थैंक यू बोलता हूं मैं, वाहेगुरु को थैंक यू बोलता हूं मैं कि आपने मुझे अवसर दिया इनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए। तुम्हारी बात कर रहा हूं, और ये छोटा सा हिस्सा जो है ना, ये जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जरूरी है बेटा, अपने अंतर्मन को कभी कभी टटोलना बहुत जरूरी है। केवल पोथी पढ़ने से पंडित नहीं बनता आदमी, हृदय की भावनाओं को पढ़ना पड़ता है, अंतर चेतना को, इनर कॉन्शियस को जागृत करना होता है, तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कुछ बदलता है।